तो अल्फ्रेड नोबल ने जब नोबल प्राइज इस्टेब्लिश किया था तो ही वॉज ऑफ दैट व्यू कि पिछले साल में जो मतलब पिछले एक साल में मेजर डिस्कवरीज हुई हैं उसके बेसिस पर नोबल प्राइज दे दिया जाएगा। तो ऐसा हुआ कि 1926 में एक जोहानस फेबिगर नाम के इंसान थे, उन्होंने एक डिस्कवरी की थी कि एक पैरासाइट से कैंसर होता है और उसके बेसिस पर उनको नोबल प्राइज़ दे दिया गया। और फिर ये बहुत फनी मोमेंट हो गया कि बाद में पता लगा ऑब्वियसली कि पैरासाइट से तो कैंसर होता ही नहीं है, तो ये बहुत एम्बैरेसमेंट हो गया नोबल प्राइज़ कमेटी के लिए। और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उसके बाद उन्होंने प्रोसेस चेंज कर दिया, और जब तक आपकी जो डिस्कवरी है वो एस्टैब्लिश नहीं हो जाती है या फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है तब तक आपको नोबल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। इसीलिए जो इंडिया के साइंटिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, उनको 1983 में जाकर के मिला था नोबल प्राइज़, बट उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो 1930 में की थी। और ऐसा ही बहुत लोग की मतलब डेथ हो जाती है और डेथ के बाद तो मिलता ही नहीं है नोबल प्राइज़ पोस्टमसली। तो नोबल प्राइज़ कमेटी का ऐसा मानना है कि नोबल प्राइज़ ना दिया जाए वो ठीक है, लेकिन किसी भी गलत पर्सन को गलत डिस्कवरी के लिए नोबल प्राइज़ ना मिल जाए।